तो जब अपन बात कर रहे हैं हियर योरसेल्फ बुक की, तो सबसे पहली बात आती है कि कोई अपन को ये कहता है कि हाँ तुम्हारी लाइफ में ऐसा, किसी ने ये कह दिया कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो वो चीजें अपन को बहुत अफेक्ट करने लग जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अपन कैसे बाहर की आवाजों को कम करें और खुद की आवाज को सुने? और जो ऑथर है वो जी यही कहते हैं कि दो टाइप की नॉइज होती है। एक होती है बाहर की नॉइज, जिसको हम ईयर प्लग्स लगा के या फिर रूम का गेट बंद करके कम कर सकते हैं। बट जो हमारे माइंड के बीच में जो नॉइज चल रही है, जो हमें दिन और रात परेशान कर रही है, जितनी भी चिंता वरी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो जो माइंड चैटरिंग है, जो हमारे मन के बीच में जो नॉइस है, उसके कारण है। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट कि हम जो माइंड की जो नॉइस है उसको कैसे ओवरकम करें। करेक्ट आप करेक्ट जी, सही एकदम। और उसी में से मेरे को मैसेज मिला है कि चलो बाहर का एक्सटर्नल आवाज को कम करने के लिए माध्यम है, बटन्स है ना, रिलेटिवली इजी है। उसको मैं एक्सटर्नल स्टिम्यूलस बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मेरे घर के पास ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, क्योंकि एक नई बिल्डिंग आ गई है, उसके नीचे दुकानें आ गई है, तो हॉन्किंग, एक होटल आ गया है, तो रात को 12 बजे तक लोग होते हैं, बर्थडे पार्टीज होते हैं। तो चलो मैं नॉइस प्रूफ विंडोज लगा दूंगा घर पे, काम हो गया, तो मुझे या चीज नींद चाहिए। पर जो इंटरनल ट्रिगर्स है, इंटरनल स्टिमुलस है कि कल मैंने उसको मैसेज किया, उसने अभी तक मेरे हाय का रिप्लाई नहीं दिया। हाँ मतलब प्राची, मुझे अभी पहले जैसा दोस्ती नहीं रही, तो ये सब शुरू हो जाता है, राइट? करेक्ट तो इसमें आई थिंक एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर मैंने, सपोज मैंने प्राची को बर्थडे को कुछ गिफ्ट दिया, सपोज एक ड्रेस दिया, हाँ, नाउ इफ आई एक्सपेक्ट हर टू वेयर दैट ड्रेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, या एटलीस्ट वेयर दैट और ट्रीट समथिंग द वे आई वांट, देन I have not given that dress to her. I have just physically transferred it to her, but mentally I'm still claiming my possession on it. सिर्फ मैंने physically दे दिया। If I want to, that is not giving. मैंने दिया ही नहीं actually तुमको। The fact that I am expecting something the way it should be treated from you, I'm not given ना। अभी तक वो मेरा है, सिर्फ तुम्हारे हाथों में वो सौंप दिया। और फिर वही चीज मुझे खाएगी कि ऐसे कैसे, उसने अभी तक कैसे पहना नहीं, कुछ बोली भी नहीं इसके बारे में, वो सच्ची दोस्त नहीं है, उसने मेरा इंसल्ट किया, और वो सब चैटर बॉक्स शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम्हारी नीयत ऐसी होती ही नहीं है, कुछ अलग प्रायोरिटीज रहते हैं या जो भी है, क्योंकि तुझे पता ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, वो सिर्फ मेरे मन में चल रहा है, राइट? तुमने सोचा होगा कि सरप्राइज दूंगी और मैं दिवाली के इस दिन में ये ड्रेस पहन के दिखाऊंगी अमृत को, और ये सब मुझे पता ही नहीं है बिकॉज इट्स अ सरप्राइज। सो वॉट एवर जो मैं सोच रहा हूँ, डेफिनेटली तुम्हारे मन में नहीं है, और जो तुम्हारे मन में वो मुझे नहीं पता, राइट? तो आई थिंक इसका बेस्ट सोल्यूशन इस इसको मैं सेल्फिश गिविंग बोलता हूँ। इनफैक्ट दिस इज नॉट गिविंग ओनली। सो व्हेन व्हेन आई गिव यू समथिंग, राइट, ये एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ मैं कि चैटर बॉक्स एग्जाम्पल है गिविंग का। सो वो फिर आप वो पहनो या किसी और को दो, या उसका पोछा बना के उसको घर पे रख दो, या उसे फ्रिज पोछने के लिए रख दो, इट शुड नॉट बॉदर मी। आई शुड टेक जॉय एंड हैप्पीनेस इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग। कि वो दुकान में जाना, वो चीज जो तुम्हारे टेस्ट है उस हिसाब से चूज करना, अभी हम गए थे दुकान में और मैंने बेर बहन के लिए लिया था, वो सब प्रोसेस एंजॉय करना। आई डोंट केयर उसके बाद उसने वो पहना नहीं पहना, उसको पसंद आया नहीं है, आई शुड नॉट केयर अबाउट दैट। इफ आई केयर दैट मीन्स आई हैव नॉट गिवन इट टू यू, राइट? बट देन द थिंग कम्स ना कि अपन उस चीज को हर एक बात में मतलब इंप्लीमेंट कैसे करें। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दिस इज वॉट वेन आई एम नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी को गिफ्ट दूंगा, आई शुड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ गिविंग। वो उधर खत्म हो जाता है, नाउ दैट इट इज योर्स, मेरा काम खत्म हो गया है, उसके बाद फिर सोचने का सवाल ही नहीं उठता है। सो नेवर रिमेंबर वेन यू गिव एंड नेवर फॉरगेट वेन यू टेक। वो आपकी जिम्मेदारी है व्हेन यू टेक हाउ टू ट्रीट मी, इट नन ऑफ माय बिजनेस। सो व्हेन आई टेक, इफ आई यू गिव मी समथिंग, इट शुड बी माय रिस्पांसिबिलिटी टू मेक यू फील स्पेशल, टू एक्नॉलेज इट, टू वेयर दैट ड्रेस, व्हाटएवर इट इज द वे आई व्हिच विल मेक यू फील स्पेशल।
बट वो आपको नहीं एक्सपेक्ट करना उस सिचुएशन. सो नेवर रिमेंबर व्हेन यू गिव, नेवर फॉरगेट व्हेन यू टेक. ये एक एग्जांपल है जहां पे हम चैटर बॉक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट? हमको साधु संत बनने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली साधु संत बनने की जरूरत नहीं, पर पता है क्या बात होती है, जैसे यहाँ हुई अपन ने एक्सपेक्टेशन की बात, पर कभी कभी होता है अपन चाहे एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लोग आकर अपन को वो बातें कहते हैं, लोग आकर अपन को जज करते हैं उन बेसिस पे जो कभी कभी अपने लिए मायने नहीं रखते, और कुछ चीज होती है जो अपने लिए मायने रखती है. तब वो जजमेंट की वो स्टेज होती है ना, दैट इज डिफरेंट, दैट इज लाइक दैट इज डिफिकल्ट. कि ठीक है अपन ने किसी से एक्सपेक्ट किया वो तो चलो कोई बात नहीं, पर दैट इज डिफरेंट. तो उसके लिए नहीं, आई थिंक इस पे हमको खुद पे काम करना बहुत जरूरी है. मैंने देखा है ना, लोग जॉब पे मेहनत करते हैं ना, खुद पे काम करना, आपका जो क्राफ्ट है या उस पे इतना माहिर बनो कि फिर ये जजमेंटल कमेंट्स आना बंद हो जाएंगे. लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, तब तक वो झेलना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल द पोजीशन इन व्हिच आई एम, यू आर वेरी श्योर आपको जो कमेंट्स या जजमेंटल कमेंट्स आते हैं वो मुझे नहीं आते, डेफिनेटली नहीं आते, क्योंकि मेरा काम बोल रहा है. ये सचिन अपने काम के थ्रू बोला, राइट? सब लोग ने बोला था शाहरुख खान खत्म हो गया, उसने काम के थ्रू बोला कि नहीं मैं अभी भी जिंदा हूँ, पठान हिट हो गई. सो ऑलवेज स्पीक थ्रू योर वर्क. आप कितना भी मुंह से बोलो कि नहीं मैं करूंगी ये, मैं अच्छी हूँ, ये जब बाहर से कोई बोलेगा आपके मॉम डैड को या आपके पड़ोसी को, आपके रिलेटिव को, अरे प्राची तो बहुत अच्छा काम कर रही है, दैट्स ऑल. आवर क्राफ्ट शुड स्पीक, एंड देन द बेस्ट वे टू से शट अप टू द वर्ल्ड इज टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स. सिंपल. एक्सैक्टली, ये बात आपकी एकदम सही है, मैं खुद एग्री करती हूँ इस बात से. But the problem is, it will not happen overnight. आपको पता है, आपको हंसी आएगी मन में, अरे जो बोल रहा है ना ये सब टेम्पररी है, मुझे पता है दो कुछ साल के बाद यही आके मेरी तारीफ करने वाला है. इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए प्रोसेस पे. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इसके बाद. सो इनर पीस के बारे में आप क्या समझते हो? यस, इनर पीस फॉर मी इज अ डेली अफेयर. ऐसा नहीं कि एक बार काम कर दिया तो खत्म हो गया. डेफिनेटली वर्क ऑन इट एवरी डे, बिकॉज़ द फैक्ट दैट आई एम अलाइव टुडे सिंस मॉर्निंग, आई हैव टू वर्क ऑन माय इनर पीस, राइट? और उसके लिए एक इंटरेस्टिंगली नया सॉल्यूशन मुझे मिला है. एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट स्लो डाउन, बहुत फास्ट पेस हो गई है. मुंबई में, मुंबई से शहर में तो ऐसा बोलना बहुत कॉमन है. बहुत मुंबई हो गया, ये हो गया. बट आई थिंक यू हैव टू स्लो डाउन. लाइफ को स्लो या फास्ट एक्चुअली इज नॉट द क्वेश्चन, बट नोबडी टॉक्स अबाउट सिंपलीफाइंग लाइफ. लाइफ को सिंपलीफाई करना, हम बहुत कुछ ज्यादा कुछ करने जाते हैं, गेट मोर थिंग्स डन इन लेस टाइम, स्पीड रीडिंग है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स. सो आई थिंक आप कहीं पे तो हमको सिंपलीफाई करना है. वो कैसे करना है कि व्हेन यू लर्न टू फोकस, कॉन्सेंट्रेशन जब होगा ना तो आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा. हमको लगता है कि पर्पस आएगा तो फोकस आएगा, नहीं. पहले फोकस सीखना है, हाउ टू फोकस, दैट विल हेल्प यू टू डिफाइन योर पर्पस. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बहुत रीडिंग में घुस गया मैं, तब जाके मुझे मिशन मेक इंडिया का आइडिया आया. इट वॉज नॉट अदर वे राउंड कि अरे चलो इंडिया को पढ़वाना है तो मैं रीडिंग शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं है ना. आई वॉज अ ग्रेट रीडर, और वो करते करते कुछ ना कुछ हुआ और क्लिक हुआ वो आइडिया, राइट? सो फोकस, देन कम्स पर्पस, एंड दैट पर्पस विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, एंड प्रायोरिटाइजेशन विल टेल यू व्हाट शुड आई सैक्रिफाइस, व्हाट शुड आई कीप. कौन से फ्रेंड्स है जो मुझे मेरे पर्पस से दूर खींच रहे, उसको जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दो. Yes, you have to do it. ऐसे कौन सी चीजें हैं जो मुझे पर्पस से दूर खींच रही है? कैफीन, मुझे कॉफी की चाय की बहुत लत लग गई थी. Yes, it is a distraction for my to my purpose. Too many friends, Netflix, YouTube comedy, stand up comedy, dance videos. I'm not saying they are wrong. Yeah. Too much or moderation. Too much of anything. The problem is too much and moderation is such a blurry line. Definitely. And these people, YouTube and are so expert to manipulate your psychology. हमको समझता नहीं कि what is enough, where to stop. Yeah,
alcohol, too much of music, just because it is free and available in abundance, we keep playing songs after song after song. Yeah, movies, food is also food been, addiction. Yeah, exactly. Food addiction exists. Just because it is there in the fridge, हम फ्रिज खोलते हैं और कुछ मुंह में डालना शुरू करते हैं. नो, थ्री टाइम्स अ डे इज इनफ फॉर अस. हमको ये पता ही नहीं कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं. अगर पता चला तो उसको डिस्ट्रैक्शन करके लेबल देंगे और फिर उसको उस पे काम करेंगे ना. हमको हमको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, काम करते करते कुछ चबा रहे हैं, तो हमको समझ भी नहीं आती कि इट इज अ डिस्ट्रैक्शन या म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में. एग्जैक्टली, मैं आपकी सिंपलिसिटी की बात जो थी मैं सिर्फ एकदम एग्री करती हूँ. और मैं इसी में अपनी एक बात एड ऑन करना चाहूंगी. मतलब प्रेम रावत जी जो इनर पीस की बात करते हैं, वो इनर पीस यही है कि तुम उस चीज को पहचानो, सिंप्लिसिटी, करेज जो तुम्हारे अंदर है, विजडम दैट इज ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू, तुम उसको जानो. जब तुम उसको पहचानोगे ना, एंड ही मतलब वो बताते हैं उसको जानने का बेबी कि तुम कैसे उसके टच में आओ जो कि ऑलरेडी अपने साथ एग्जिस्ट करता है, वो सिंप्लिसिटी. तो वी डोंट हैव टू थिंक ओवर इट कि हाँ नहीं मुझे सिंपल रहना है, ज्यादा मुझे और कोशिश करनी. हम करते हैं कोशिश की बात, लेकिन जब अपन उसके टच में आते हैं ना, रियलिटी के टच में, तो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होती है. चीजें अपन ऑटोमेटिकली समझते हैं, अपन को अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती कि हाँ कि क्या करना है क्या नहीं. इसी से एक बात आती है, जैसे कि अपन अपना नेचर क्या है और अपनी मतलब डिजायर्स क्या है, व्हाट इज अवर नीड्स और डिजायर में डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस. मतलब ये तो आप भी बताओ, गेस करो. चलो सो आप हमेशा सबको बोलते हो कि चलो तुम, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ. बताओ अब मैं आपसे पूछती हूँ, नीड्स और डिजायर, क्या क्या अपनी नीड्स है, क्या क्या अपनी डिजायर्स है? आई थिंक यस, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. कभी कभी नो नीड डिजायर लगती है, डिजायर नीड लगती है. वहाँ यहाँ पे अगेन इफ द पर्पस इज क्लियर, आई विल कम टू नो कि नीड नीड है और ये डिजायर डिजायर है. एंड इवन इफ द डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड, आई शुड बी ओके, बिकॉज एनी वे इट इज नॉट अफेक्टिंग माई पर्पस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सी एज बुकलेट गाय ऑफ इंडिया. नो, सॉरी, कैन आई डिस्टर्ब यू, लाइक सॉरी टू इंटरप्ट यू. It is about like human, being human. I'm really sorry to say this, but फिलहाल मैं आपको एक इंसान की तरह बात कर रही हूँ, not as a booklet guy. Difference है, एक difference है. Booklet guy एक responsibility है. तो एक इंसान होने के नाते आपकी needs क्या है, आपकी desire क्या है, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ. Okay, ठीक है. See, जैसे मुझे कहीं ना कहीं अंदर पता है कि अगर फिट बनने के लिए बस एक स्ट्रॉन्ग जज्बे की जरूरत है, आलस को निकाल के फेंक देना है, और कहीं पे भी किधर भी एक्सरसाइज कर सकते. जैसे मैं जब राजस्थान आया था, हमने गार्डन में एक्सरसाइज किया, एक रुपया का इक्विपमेंट यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं था. और डिजायर क्या होता है कि चकाचक जिम, एसी में, अच्छे लोग, नाइकी के शूज, एक्चुअली वो नीड बाजू पे रह जाती है और डिजायर में खो जाते हैं हम. एंड इनफैक्ट दैट डिजायर विल अफेक्ट द नीड. जिस चीज के लिए मुझे जाना है जिम और पसीना बहाना है, वो बाजू पे रह जाता है. एंड शो ऑफ, यू नो, इसने क्या मस्त शूज पहने हैं, या इसकी स्मार्ट वॉच, फिर वो ऐप में कितने कितने किलोमीटर भाग, इतने ज्यादा नंबर्स में खो जाना. आई थिंक दिस हैज हैपेंड विद मी. मैंने लाइफ के काफी फिटनेस के जो इयर्स इसमें वेस्ट किए. ऐसा होता है, मतलब अपन सब इंसान ही, और ऐसा होता है. दिस इज नॉर्मल, दिस इज वेरी नॉर्मल. आई अंडरस्टूड कि नो, व्हाट इज नीडेड फॉर फिटनेस, इट्स अबाउट इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट, स्वेटिंग, या उसके लिए क्या चाहिए, रनिंग, जंपिंग, हैंगिंग, पुशिंग, राइट? तो वो तो सब हमारे घर पे है, आजू बाजू पे है. एक खुला मैदान, खुला मैदान के लिए क्या लगता है, म्युनिसिपैलिटी ने ऑलरेडी सब करके दिया. तो एक्चुअली हमको वो करना ही नहीं है, कुछ और ही करना रहता है, राइट? सो आई थिंक दिस कुड बी अ क्रूड एग्जांपल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर. ओके, सो अनिल तुम कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, नीड्स और डिजायर. नीड्स और डिजायर बेसिकली जैसे श्वास है, ये हमारी नीड है. फूड, कौन सा फूड खाना है, ये हमारी डिजायर है. फूड खाना, ये हमारी नीड है.
बेसिक नीड्स, मतलब अपन बहुत फंडामेंटल लेवल पे बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि देखो सबसे पहले अपन एक इंसान है, सबसे पहले मतलब एकदम फंडामेंटल लेवल से बात करते हैं ना, क्यों जाना कि हाँ मैं प्राची हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, ये सब हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, नहीं, एकदम फंडामेंटल लेवल से बात करते हैं. सो सॉरी, यू कैन कंटिन्यू. और ये श्वास लेना, हवा ले और खाना और पानी पीना, ये सारी हमारी बेसिक नीड है. एक घर होना, शेल्टर लेना, ये सारी एक ह्यूमन की नीड है. टीवी देखना, ये सारी वांट्स है, डिजायर है. जैसे कि अगर अपन पानी पिए बिना कितने टाइम रह सकते हैं, कितने दिन, मतलब 3 डेज से ज्यादा नहीं रह सकते बिना पानी के, 3 डेज से ज्यादा नहीं रह सकते बिना ऑक्सीजन के, 3 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते बिना फूड के, अपन 3 वीक से ज्यादा नहीं रह सकते. तो ये अपनी नीड्स है. एग्जैक्टली, जीने के लिए ये अपनी नीड्स है. टी शर्ट टू कवर माई बॉडी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्लाइमेट, पर फिर ज़ारा का ही चाहिए, अरबा का ही चाहिए. दैट्स वांट. सो जब अपन वो डिफरेंस समझने लगते हैं ना कि हाँ अपनी नीड्स क्या है, अपनी डिजायर क्या है, जब अपन खुद के नेचर को समझने लगते हैं. मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी. मैंने एक स्टोरी रीड की थी. उस स्टोरी में ऐसा था कि एक सेंट थे, वो जा रहे थे, तो उन्होंने एक क्रैब को उठाया. ठीक है, तो वो क्रैब उन्हें मतलब वो कहीं अटक गया था वो क्रैब, तो उन्होंने उसकी हेल्प की, उसको बाहर निकाला, तो क्रैब ने उसको काटा. तो फिर उसके बगल में दूसरा सेंट भी था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा. फिर वो वापस फंसा, उन्होंने वापस निकाला, वापस उसने काटा. तो फिर सेंट बोलता है कि ये आपको काटेगा तो आप इसकी हेल्प ही क्यों कर रहे हो, मतलब व्हाई आर यू हेल्पिंग हिम. तो वो सेंट कहते हैं ठीक है, मैं जानता हूँ वो उसका नेचर है, काटना एक क्रैब का नेचर है, पर मेरा नेचर है लोगों से प्यार करना, उनकी हेल्प करना. तो जब अपन अपना नेचर समझते हैं ना, एकदम फंडामेंटल लेवल पे जब बात करें, जब अपन सच में अपना नेचर समझते हैं ना, तो अपन लाइफ में बहुत, जो सिंप्लिसिटी की आप अभी बात कर रहे थे, तो सिंप्लिसिटी अपने आप आती है. अपन उस सिंप्लिसिटी को अपने आप समझ पाते हैं. कुछ लोगों नेचर को अपना धर्म बोलते हैं कि अगर हेल्प करना मेरा धर्म है तो आई शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम माय धर्म, माय कैरेक्टर. लेट हिम प्ले हिज कैरेक्टर द क्रैब, आई विल कंटिन्यू प्लेइंग माय कैरेक्टर. या एग्जैक्टली, जब अपन उस नेचर को अपन समझते हैं, अपन जब उस सिंप्लिसिटी में आते हैं ना, जैसे कि आपने देखा है फॉरगिवनेस की बात करते हैं, हियर योरसेल्फ में भी बात कर रही फॉरगिवनेस के बारे में, तो फॉरगिव करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? I think बहुत लोगों को लगता है कि forgiveness दूसरे के लिए, दूसरों को अच्छा लगे. Exactly. उसके लिए है ही नहीं, वो हमारे mental peace के लिए है. हाँ, मतलब और कहीं ना कहीं किसी और से नफरत बांटना ना, एक इंसान का नेचर होता ही नहीं है. एक इंसान का नेचर ऐसा होता ही नहीं. आप खुद देखना, आप गुस्सा करोगे उसके बाद ऐसा नहीं होता, आप खुद ज्यादा परेशान होगे. आपने किसी पे गुस्सा किया, मैंने गुस्सा क्यों किया, या आप किसी से नफरत करोगे, आपको खुद में अजीब सा नहीं लगेगा? और ऐसा क्यों होता है कि जब अपन खुश होते हैं तो अपन गॉड से प्रे करते हैं, हाँ गॉड खुशी तो दुनिया भर की दो, देते ही रहो, उसमें मतलब रोकना मत, पर थोड़ा सा भी दुख आता है, भगवान क्यों दुख दे दिया, अपन ऐसे करते हैं. तो आखिर क्यों? क्योंकि अपना नेचर है. जब अपन वो एकदम इसे डिफरेंस समझते हैं ना कि क्या अपना नेचर है क्या नहीं है, तो लाइफ में सिंप्लिसिटी अपने आप आती ही आती है, जब वो डिफरेंस समझते हैं. एकदम सही, अच्छा बोला, परफेक्ट. तो इसी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं जी. नोइंग और बिलीविंग में क्या डिफरेंस है? मतलब इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 4, जानने और मानने में अंतर क्या है? वाओ, नोइंग और बिलीविंग, या चैप्टर नंबर 4 है आई गेस. या चैप्टर नंबर 4. अच्छा, नोइंग. आपको उसमें से कोई स्टोरी याद है तो बोलो, फिर मुझे और याद आएगा उस चैप्टर का कंटेंट. ओके, नोइंग एंड बिलीविंग. मैं बोल सकती हूँ, मुझे ऐसे पर्टिकुलरली कोई स्टोरी याद नहीं आ रही. तो कुछ बोलना चाहते हैं? मेरे को स्टोरी तो याद नहीं है, बट एग्जांपल शेयर कर सकता हूँ. जैसे किसी ने, अगर आप रूम में बैठे हो और किसी ने बेल बजाई और आप किसी का वेट नहीं कर रहे, तो आप ये भी मान सकते हो कि हो सकता है हवा चल रही हो, पता नहीं कौन आया होगा, पड़ोसी आया होगा, आप मान रहे हो, आपने अभी तक देखा नहीं. बट जानना, नोइंग मीन्स कि आप गेट खोल के देखो कि कौन आया. नोइंग मीन्स कि जानना, देख लिया जब आपने अपने आंखों से. याद आया, एक स्टोरी याद आई.
वो स्टोरी शायद पीसेस पॉसिबल में या हियर योरसेल्फ में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर एक स्टोरी है, एक राजा की कहानी है। वो कहानी ऐसे है कि एक राजा थे, उनके दरबार में एक दूसरे देश से एक मैंगोस गिफ्ट करते हैं। तो अब वहां पे उन्होंने पहली बार देखा कि मैंगोस क्या होता है, तो वो सोची मैंगोस क्या होता है, तो उन्होंने अपने जितने भी दरबारी है ना उन सबको बोला कि आप ना टेस्ट करके बताओ कि मैंगो क्या होता है। एक ने टेस्ट किया, उन्होंने बताई कि हाँ ये मीठा होता है। अब मीठा तो चीनी भी होती है, रसगुल्ला भी होता है, तो अब राजा कंफ्यूज हुआ कि कैसा मीठा। उन्होंने मीठा सोचा, किसी ने बोला नहीं इसका थोड़ा सा खट्टा सा होता है, किसी ने बोला जूसी होता है, तो सबने अपनी अपनी फिलोसफीज दी। एग्जैक्टली फिर एक मैंगो बचा था, लास्ट मैंगो, और उनका एक दरबारी वो बचा था। वो बोलता है राजा आप मुझे देने के बजाय क्यों ना आप खुद एक्सपीरियंस करके देखो। जब राजा उस चीज को एक्सपीरियंस करता है खुद, बातें बहुत होती है, सबने अपनी अपनी बड़े बड़े लाइक इंटेलिजेंट लोग थे वहां पे, सबने अपनी थ्योरीज दे दी, पर जब वो अपने आप एक्सपीरियंस करता ना, वो समझा हाँ कि क्या एक्चुअल टेस्ट होता है, क्या चीज। जैसे कि अंधे वाली वो हाथी वाली भी कहानी सुनी होगी आपने, तो ये सुपर। आई थिंक ये तो मेरे साथ रोज होता है कि जब मैं कोई बुक में कुछ आइडिया पढ़ता हूँ, दैट इज बिलीविंग राइट, कि चल ऑथर ने बोला मतलब सच होगा, पर जब मैं दूसरे दिन उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर उसके रिजल्ट्स दिखते हैं मुझे, तो अच्छा ऑथर ये बोलना था, वो एक अलग फीलिंग आती है, अच्छा एग्जैक्टली ये बोलना था उसको, जब वो समझने लगते उस चीज को। हाँ, क्योंकि जब अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना, तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। जैसे कि आपको पता है प्रेम रावत जी ने सेल्फ नॉलेज की बात की है इसमें, तो सेल्फ नॉलेज आखिर वही टेक्निक्स है जो प्रेम रावत जी देते हैं, जिन मतलब इट्स नॉट जस्ट फिलोसफी की हाँ किसी ने थ्योरी बता दी, नहीं, इट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो कि मैंने खुद ने, मतलब मुझे सेल्फ नॉलेज है, मैंने खुद ने अपनी लाइफ में करे है, उसको प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे लास्ट ईयर हुई थी सेल्फ नॉलेज, तो मैंने अपनी लाइफ में चेंज देखा, और हाँ अब मैं जानती हूँ जो भी इसमें बात है ना वो एकदम सच है। मतलब और जब अपन उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, अपन जब खुद के टच में होते हैं ना, तो सिंप्लिसिटी क्लैरिटी कैसे अपनी लाइफ में आती है, वो चीजें कैसे होती है। आज अपन मान लेते हैं कि ठीक है किसी ने बोल दिया भगवान यहाँ है, भगवान ये है, अपन ने मान लिया, पर क्या सच में अपन जानते हैं? जानना मतलब वही ना, अब लोग बोल देते हैं कि तुम ना अपनी करेज लो, जैसे कुछ भी होता है ना, आपने बहुत मतलब बुक्स में तो रीड किया ही होगा कि करेज से आगे बढ़ो, हिम्मत लाओ, हिम्मत लाओ, भाई कहाँ से लाए हिम्मत? तो वो हिम्मत अपने अंदर है। हाँ, और उस चीज के लिए प्रेम रावत जी बताते हैं कि कैसे आप उस हिम्मत के टच में आ सकते हो। और जब वो हिम्मत का लाइक इतना बड़ा सोर्स है, इतना बड़ा सोर्स है कि आपको जब उस आप उस चीज को पहचानोगे ना, हिम्मत अपने आप आएगी, करेज अपने आप आएगा। फिर अपन को लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती कि हाँ कोई मेथड मिल जाए मेरे को कि कैसे लाऊं, कैसे करूं ये चीज। नाइस, सुपर, ऑसम, गुड, वेरी गुड। और कुछ पूछना है? फॉरगिवनेस पे, रिलेटेड टू फॉरगिवनेस। ओके, तो जैसे अभी अपन बात कर रहे थे फॉरगिवनेस की, कि यूजुअली ये दूसरे को, मतलब अपन सोचते हैं कि दूसरे के लिए होती है। मैं आपकी बात से एकदम एग्री करती हूँ, एंड इट वाज लिटरली नाइस, मुझे बहुत सही लगी आपकी बात। तो प्रेम रावत जी भी फॉरगिवनेस की बात करते हैं, उनका एक चैप्टर भी है फॉरगिवनेस पे। सो मेरा यही क्वेश्चन है कि हाँ, अगर आपने देखा लोग काफी स्टक रहते हैं उस पॉइंट पे, एक पॉइंट आता है जहां नहीं, मैं इस इंसान को तो माफ नहीं करूंगा, जान जाए पर मैं इस इंसान को माफ नहीं करूंगा, लिटरली लोगों के साथ होता है, तो लोग उससे कैसे आगे बढ़े? आई थिंक जब हमको फॉरगिवनेस ग्रेटिट्यूड का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा कि अबाउट उसके ग्रजेस अगर हम कैरी करेंगे तो हमारा ही बीपी हाई होने वाला है, हमको ही रात को बुरे बुरे सपने आने वाले हैं, सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब वी अंडरस्टैंड दिस एंड वी गेन नॉलेज अबाउट
proper knowledge of forgiveness, I think that will help us to actually forgive that person. In fact, एक TED Talk में मैंने देखा था कि एक औरत की बेटी का रेप हुआ था, एक माँ बेटी का, एंड काफी वो केस हो गया रेपिस्ट पे वगैरह, एंड देन उसको सजा भी डिक्लेयर हो गई, एंड इन दैट कोर्ट वो लेडी बोले कि आई फॉरगिव हिम, उसको छोड़ दो. ओह माय गॉड. एंड यू नो व्हाट, वो औरत अभी ज्यादा खुश है और वो आदमी अभी बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज उसको ही कांट बेयर दिस फैक्ट कि जिस औरत की बेटी का मैंने रेप किया उसने मुझे. Why did she choose to forgive him? मतलब उस पॉइंट पे देखो कोई गलत करता है. देखो मतलब पर्सनली जो मैं सोचती हूँ ना, मैं आपकी बात को वैसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाह रही. Let me complete. Court took its course of action. वो forgive करे तो भी उसको सजा मिली, because it was proved in the court of law that he did that. For her, it was so easy to live the rest of her life. बिकॉज वो उसको हैंग करने के बावजूद भी उसको बेटी वापस नहीं आने वाली, लेकिन उसको माफ करने से she got a hope. अभी वो एंजाइटी, वो गुस्सा, वो सब खत्म हो गया ना, जो शायद वो हैंग करने का बाप भी नहीं हुआ रहेगा. वो बदले की भावना है, उसको सेटिस्फाई हो गई होगी, राइट? सो दैट आई थिंक इज अ बिग बिग थिंग फॉर एक माँ के लिए. I think it needs a big heart and correct knowledge of forgiveness. I think usko pata tha the power of forgiveness, isliye usne waisa kiya hoga. Okay, par matlab main jo manti hu na ki definitely apan ko ek insaan ko maaf matlab itna grudges nahi rakhne chahiye, aur wo forgiveness apne aap aati hai jab apan peace mein hote na, to wo apne aap aati bhi hai. Par agar koi aapke sath galat kar raha hai na, iska matlab ye nahi ki aap chup baitho. आपको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए. That's why she filed the case, ना? अगर वो चुप बैठती तो वो बुजदिल होती. Forgiveness has nothing to do with the action that she has taken. उसको सजा मिली, right? It is forgiveness just within your mind. जरूरी ना भी है. It is internal. मैंने तुझे माफ किया ये नहीं बोला तो भी चलेगा, वो मेरे व्यवहार में दिख जाएगा. Mental level पे disconnect करना. It's inside. Exactly. और जब अपन दूसरों को forgive करते हैं तो ऐसा नहीं कि दुनिया के लिए कुछ होता है, पर अपन खुद के में अपन एक बहुत happiness, एक खुद में relief feel करते हैं. Correct. एक sigh of relief. बहुत हल्का हो जाते हैं हम. बल्कि ऐसा लगता है अपन ने खुद को forgive किया होता है जो इतने टाइम तक अपन ने वो चाणक्य जी का आई थिंक एग्जाम्पल है, जब अपन किसी के लिए ग्रज रखते तो हाथ में जलते हुए कोयले रखने के बराबर जैसी चीज है उस पॉइंट पे. एक नया पॉइंट जो मैंने अभी रियलाइज किया, फॉरगिवनेस. ये एक बहुत रेयर टॉपिक है जो इसके बारे में नहीं बोला जाता, सेल्फ कंपैशन या सेल्फ फॉरगिवनेस, जो मेरे साथ हुआ अभी. हर महीने में 3-4 दिन तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आई फॉल वीक टू माय ओन रूल्स, आई डोंट फॉलो माय ओन डिसिप्लिन. फॉर एग्जांपल ईटिंग हैबिट्स, मैंने कुछ एक दिन में 11 लड्डू खाए. पता नहीं क्या हुआ था, मुझे गुस्सा आया था. अच्छा ना यार, एंजॉय भी तो करना जरूरी है ना. फिर दूसरे दिन मुझे इतना गुस्सा आया कुछ पे, यू नो, आई एट इट विद लॉट ऑफ गिल्ट, आई रिग्रेटेड, और फिर उसका इफेक्ट दूसरे दिन आ गया. एंड ऑब्वियसली बिकॉज आई एट, आई नो कि ये मैं गलत खा रहा हूँ, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो फूड भी वैसे ही एक्ट किया मेरे बॉडी पे, मेरा पेट खराब हो गया. बिकॉज आई डिड नॉट ईट विद द राइट माइंड सेट, क्योंकि वो लड्डू बहुत खराब थे या बासी थे, लड्डू तो फ्रेश थे. Right. So I think एक मेरी जो योगा टीचर है उसने बोला उसको, मैं मुझे बोला कि you ate that with the mindset that it is bad food, it is bad for you, and still you ate it for whatever reason. Just on the next day, forgive yourself that yes, for the time being I fell prey to the attractions. I moved out from my own values, my discipline. Now it is a chance for me to rectify my mistake. So it's a new day. The fact that I'm alive, I woke up alive. Exactly. It is an opportunity for me to rectify. To enjoy to kiya maine wo taste laddu ka. Haan, that is important. I mean, life to ek limit tak hi hai na. To usko enjoy kab karoge? Dekho, log baat karte na swarg ki, swarg jaake hame laddu mil jayenge, narg jaake to hame pata nahi kode milenge, I guess. To swarg jaake agar laddu milna hai to matlab jao na yaar. Aisa thoda na.
क्योंकि ये सब अपनी इमेजिनेशन है, लाइफ को ऐसे जियो ना कि तुम स्वर्ग जी रहे हो। मतलब यार लड्डू यहाँ पर भी तो है ना, तुम खा सकते हो, वहां पे पेट नहीं होगा, तुम्हारे दांत नहीं होगे जो तुम खा पाओगे। आई मीन चबाओगे तो दांत तो चाहिए ना, अपनी टंग होगी कि इसको टेस्ट कर पाओगे, तो एंजॉय करो। मतलब खुद पे इतना हार्श नहीं होना चाहिए। सेल्फ कंपैशन के बारे में बहुत कम बोला जाता है, बहुत कम, बहुत कम। मेरा एक दोस्त है, उसके ना आगे के दांत सही नहीं है, थोड़े आड़े टेढ़े, एंड ही नेवर स्माइल्स ड्यूरिंग फूड। ओह माय गॉड, तो शर्म आती है। तो नो, आई स्पोक टू हिम फॉर 2 आवर्स कि जब हम स्माइल करते हैं तो लोग अपने दांत नहीं दिखते, हमारे आंखें दिखते हैं। स्माइल हमारे आंखों में होती है, दांतों में नहीं होती है, राइट? आंखें छोटी हो जाती है, यू नो द जेन्युइन स्माइल, वो आंखों पे चेहरे पे ग्लो आता है। सो इट डजंट मैटर आपके स्माइल लाइन कैसे, आपके दांत का रंग कैसे, दिखता भी नहीं। इनफैक्ट मैंने बोला कि मैंने, मुझे मालूम ही नहीं कि तेरे दांत क्रुकेड है अब तक, तुमने बताया तो मुझे नोटिस किया मैंने। व्हेयरएज व्हेन यू लाफ ऑन माय जोक, आई लुक एट योर आईज एंड फेस इन जनरल, तब जाके उसको वो क्लिक हुआ, एंड नाउ ही इज स्माइलिंग होल हार्टेडली। वाओ, आपने एक बहुत अच्छा काम किया, मैं ये कहूंगी बहुत अच्छा। इससे मेरे को एक बार, किसी ने सद्गुरु से भी ना एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ। हाँ, तो सद्गुरु यही बोलते हैं कि अगर आपकी चाहे नोज टेढ़ी भी हो ना, लेकिन अगर आपका जॉयफुल फेस है ना, तो वो सबको पसंद आएगा। स्माइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चाहे आपकी फेस कैसा भी हो। एकदम सही बोला, यस। पता है, और ये चीज होती है, अपन ना खुद को जैसे जज करते करते, या क्या जजमेंट की आदत बहुत होती है अपन में, इतनी ज्यादा रूटेड है कि अपन नहीं समझ पाते कि अपन कब खुद को जज कर रहे हैं और दूसरों को जज कर रहे हैं। मतलब जो अपन आज तक, चाहे स्कूल लाइफ से लेकर अब तक, इतने सालों की प्रैक्टिस होती है जजमेंट की, कि एकदम से तो वो स्टॉप होती ही नहीं है। कितने साल हो जाते हैं, मतलब यार जीते हुए जितने साल हुए सोच लो, इतने साल तक जब तक अपन अवेयर नहीं हुए ना उस चीज के लिए, अपन जज करते हैं। अगर अपन ने किसी पे गुस्सा किया ना, किसी ने मान लो गलती भी कर दी, अपन ने गुस्सा किया ना, उसके बाद अपन खुद से गुस्सा होगे, खुद से नाराज होगे, नहीं मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया, मैंने क्या कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, खुद को भी माफ करो, बहुत जरूरी है। एंड गेट स्टार्टेड अगेन, यस, इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू गेट स्टार्टेड अगेन, है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? ओके, सो आप खुद का और पीस का क्या रिलेशन लेके चल सकते हो? I know peace एक नया टॉपिक सा है, बट जब ये बात एकदम फंडामेंटल लेवल की हो रही ना, तो वैसे ही अपन बात कर रहे थे ना, तो पीस भी अपनी एक फंडामेंटल नीड है। जब नीड और डिजायर की बात कर रहे थे, पीस अपनी डिजायर नहीं है, शांति में रहना। आपने देखा है कि लोग ऐसा फील करते हैं कि कितना अकेला महसूस कर रहा हूँ, या जिंदगी में कुछ तो है कि मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है। हर एक इंसान को शांति चाहिए, दे नीड पीस। जैसे कि बर्ड्स को देखा है, ट्रीज को देखा है, उनको पीस नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी अपने लेवल पे पीस में है, दे डोंट नीड पीस। अपन जाते हैं और उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, एनिमल बर्ड्स सब अपने आप में पीस में है। वी ह्यूमन बींग्स लाइक वी फील कि कुछ तो मिसिंग है, या कुछ तो है अपन ने अभी तक लाइफ में पाया नहीं, क्या चीज है वो कुछ, मे बी वो पीस है, जा के देखने की चीज होती है। हमको दिखता है, राइट? प्रॉफिट, लाइक्स, फॉरवर्ड्स, सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। तो हमको लगता है कि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। But things which are intangible, which are invisible, which can't be measured, हमको लगता है वो less important है, पर नहीं, ऐसा नहीं है, right? In fact, that has become the theme of my New Year resolution 2023, focus on the invisible. जो इंसान के आँखों को दिखता नहीं है, sound sleep, peace of mind, yeah? ये कितने important चीजें हैं। अभी परसों ही मेरे एक एक फैन है, मतलब फ्रेंड हुए, जैसे आपके से फिर फैन थे, फिर फ्रेंड हुए, एकदम फैमिली जैसे हुए। अरे तेरे और इतना तेरा अच्छा काम है, पर इतने व्यूज क्यों कम रहते तेरे वीडियोस के। मतलब लोग, बात वो है ही नहीं कि आपको वो सिर्फ नंबर दिख रहा है। आपको पता है कि एक दुबई का आदमी ने मुझे उसका ATM कार्ड दिया है? हाँ, आपने बताया था वो बात, जब आप जयपुर आए थे। हाँ, आपको पता है एक पोस्ट पे लाखों रुपए आ जाते हैं मेरे ट्रैवलिंग, कल के पोस्ट पे ट्रैवलिंग के लिए। हाँ। रुपए आ गए।
अभी ये मैं कैसे समझाऊं कि ये इट इज एज गुड एज 1000 likes. एक बैंगलोर का लड़का यार हमको बाहर लेके गया खाना खाने, एंड ही क्राइड आउट कि तुम्हारी वजह से मैंने इतने बुक्स पढ़े और अभी आई एम मच कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, एंड ही क्राइड. नाउ दिस इज नॉट इवन वर्थ 1000 subscribers और 1000 likes. अभी ये मैं कैसे बताऊं, आई कांट शो दिस, राइट? जब कोई बच्ची आके बोलती है कि यू नो मैं सिर्फ स्कूल की किताबें पढ़ती थी, तुम्हारी वजह से मैंने बाकी के किताबें पढ़ना शुरू किया है, एंड अभी टीचर्स मुझे काफी आई एम कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, नॉट बिकॉज आई कम फर्स्ट वन, बट बिकॉज आई गिव सच आइडियाज इन द क्लासरूम व्हिच हैज नथिंग टू डू विद सिलेबस. अभी ये कैसे समझाऊं मैं, यू नो द इनविजिबल, आई थिंक इट इज सो इनविजिबल, इट इज सो इनसाइड अ फीलिंग, एंड द प्रॉब्लम इज वी आर वेरी बैड एट डिस्क्राइबिंग आवर फीलिंग्स. और उससे अभी देखो ना, कोई बोलेगा ना कि आई बिकेम वेरी इमोशनल दैट डे, इट्स अ वेरी बैड वे ऑफ सेइंग. अरे यू कांट से, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट इमोशन. इमोशन इज अ कैटेगरी. हाउ कैन यू से आई गॉट इमोशनल? यू शुड से आई वॉज सैड, आई वॉज एंशियस, आई वॉज एंग्री. दीज आर द नेम्स ऑफ इमोशंस. इमोशन इज अ जनरल कैटेगरी. सो यू आर डिस्क्राइबिंग इमोशंस. Although we feel, we live on feelings. Feelings और कुछ है ही नहीं दूसरा. हमको लगता है हम सिर्फ rational है. No, we are all emotional creatures. Feelings ही सब कुछ है. But we are very bad at describing them, understand them. And peace is one of them. Right? So, जैसे मैं बोला कि invisible focus कर रहा हूँ, which will help me get more and more peace. तो for example, fasting. मैं fasting का video कैसे बनाऊँ? देखो, 4 घंटे का वीडियो मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ? राइट? सो वेरी इंटरेस्टिंग. फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट ग्लैमरस. आई कांट शो ऑफ लाइक माय मसल्स. या फ्लेक्सिबिलिटी इज अ फीलिंग. वो मेरी फीलिंग है कि तुरंत मैं ऐसा घूम सकता हूँ, तो मुझे जो फील होता है वो आपको कैसे बताऊं मैं? आपको नहीं पता चलेगा. इट्स एन इनर फीलिंग, राइट? सो इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, व्हिच अल्टीमेटली द गोल इज टू बी पीसफुल. तो इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट में कुछ कहना चाहेगा कि पीस और तेरा क्वेश्चन, पीस और मेरा कनेक्शन? हाँ, लाइक तेरे लिए पीस क्या है और तू अपनी लाइफ से क्या कुछ? मेरे लिए तो पीस बेसिकली यही है कि जब मैं अपने अंदर वो मतलब मैं ध्यान लगाता हूँ जब अपने अंदर, तो दैट इज पीस फॉर मी. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी. हमने मुंबई में प्रेम रावत जी का एक इवेंट अटेंड किया था. So, काफी लोग बैठे थे वहां पर. तो जैसे अभी आपने जो बात बोली ना, उसी पॉइंट पर, और एकदम आपकी बात एकदम सही है. एग्जैक्टली मैं एग्री करती हूँ. वहां पे प्रेम रावत जी पूछते क्या तुम्हारे अंदर गुस्सा है, सब लोग तुरंत हाथ ऊपर करते कि हाँ भाई हमारे अंदर गुस्सा है, हम गुस्सा करते हैं. तो बोलते तुम्हारे अंदर शांति है. काफी देर लोग सोचते हैं, काफी देर सोचे, फिर कुछ ने हाथ खड़ा किया, कुछ को देख के फिर सबने हाथ खड़े किए. तो फिर वो बोलते हैं अपन गुस्से को उस वे में एक्सेप्ट क्यों करते हैं? मतलब जैसे अपन गुस्से को एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट करते कि हाँ गुस्सा हमारे अंदर है, वैसे हम पीस को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की होती. गुस्से की अपन ने खूब प्रैक्टिस कर ली तो अपन को पता है हाँ गुस्सा मेरे अंदर है, पर अपन उस पीस के टच में नहीं आए तो हमें पता ही नहीं. हमने उसकी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की कि कैसे हम पीस को अपनी लाइफ में लाए, उसको रिफ्लेक्ट कराए, तो हमें नहीं पता कि पीस हमारे अंदर है. एक ये डिफरेंस है. तो जब बात आती है कि हाँ पीस को जानने की, तो प्रेम रावत जी जो सेल्फ नॉलेज देते हैं ना, तब उसमें जब हम जाते हैं, जब हम खुद पे ध्यान देते हैं ना, तो हाँ एक बहुत सुंदर चीज महसूस करते हैं, बहुत सुंदर. दैट इज पीस, दैट इज पीस. और जब वो हम महसूस करते हैं ना, सो आई नो कि क्या चेंज आता है लाइफ में. आपको तो मैंने अपनी बातें भी बताई थी कि हाँ कैसे क्या था पहले की जो भी था, और उससे मेरे में क्या क्या चेंज आया, कब से क्या क्या फॉरगिवनेस, जो भी मेरी पावर्स है ना, फॉरगिवनेस, विजडम, करेज, इनर पीस, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, ये सारी की सारी पावर्स मेरे अंदर है. बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे इनके, मुझे बस खुद के टच में होना है. एंड लाइक दे रिजाइड इन अवर हार्ट. क्योंकि अपन ना सोचते अपन हर चीज दिमाग से समझ सकेंगे, बट देयर इज अ डिफरेंस. दिमाग में अपन सोचते ना, दिमाग तो बहुत ही लाइक इंटेलिजेंट है. ऐसी क्या चीज है जो दिमाग नहीं समझ सकता? लाइक एग्री नहीं करते इस बात से? या 100%.
पर प्यार, क्या प्यार दिमाग समझ सकता है? अगर मैं पूछूं लाइक अपने पेरेंट्स के बारे में, आप बोलो यू लव योर पेरेंट्स है ना, आप अपने पापा से प्यार करते हो, तो क्या आप ऐसे एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाँ प्यार करता हूँ ऐसे, क्योंकि ये प्यार नहीं, एग्जैक्टली बस क्या प्यार करते करता हूं मैं, हैं। इतना ही है ना, कि बस इतना काफी है। सो सेम वे में पीस एग्जिस्ट करता है अपनी लाइफ में। और पीस जैसे कि अपन पूछते ना, कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछू हु आर यू, तो क्या आप उसको डिस्क्राइब कर पाओगे लाइक हु आर यू? तो आप डिस्क्राइब करोगे यू आर अमृत देशमुख, और यू आर मतलब आप बुकलेट गाए हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट। पर जब आप पैदा हुए थे तब तो आपका नाम अमृत देशमुख नहीं था, पर इसका मतलब क्या ये हुआ कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे? तो जब व्हेन यू नो दैट ना कि हु आर यू, मतलब वो जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर अपन दिमाग से समझते हैं, वो दिमाग से समझने के लिए नहीं है। इट इज अ फीलिंग, इट इज अ फीलिंग, इट एक्चुअली इज। जब तुम समझते हो ना उस बात को, तुम उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाते, यू नो दैट कि हाँ कि क्या चीज है। सो दैट इज पीस, जब तुम खुद से कनेक्टेड होते हो। सुपर, मुझे ऐसा लग रहा है प्रेम रावल जी खुद वो बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती, उनका एक्सपीरियंस कहाँ है। मैं तो अभी जस्ट इस जर्नी पे स्टार्ट किया है मैंने, खुद को समझने की जर्नी पे, किसी और की नहीं। हमेशा जैसे बात होती है ना कि दूसरों के लिए अपन ये कर रहे हैं, दूसरों के लिए वो कर रहे हैं, मतलब नॉलेज इस दुनिया में बहुत रहती है, पर सेल्फ नॉलेज को सबसे सुप्रीम नॉलेज कहा गया है, पता है क्यों? क्योंकि इट इज द नॉलेज ऑफ सेल्फ। अपन बाकी जो भी नॉलेज लेते हैं ना, वो अपन को दुनिया के बारे में बताती है कि हाँ जब लोग मेरे सामने, ठीक है अमृत अमृत बैठे यहाँ पे, तो मुझे स्माइल करनी है, ओके पोलाइट रहना है, ये नॉलेज है कि दुनिया के आगे मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। पर जब बात होती है सेल्फ नॉलेज की, दैट इज लाइक ये मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी क्वेश्चन, आप एक बात बोलते हो, मैंने आपकी इंटरव्यू में सुना है कि जब आप देखते हो उस बुक का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रॉबिन शर्मा की, हाँ, हु विल डाई व्हेन यू क्राई, है ना, तो उसमें ये बात थी कि जब एक पॉइंट आता है कि हाँ मैं जब फाइनली मर गए अपन, तो उसके बाद में कि लोग अपने को कैसे रिगार्ड करें, कि लोग अपने बारे में क्या बात कर रहे हो राइट। पर उसी पॉइंट पे मेरा एक देखने का वे अलग है। मैं सोचती हूँ कि ठीक है लोग बात कर रहे होगे जो कर रहे होगे, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, उसमें मेरा बहुत लिमिटेड कंट्रोल है कि ठीक है एक बार कि इन्होंने मेरे बारे में ये बातें की, वो बातें की, पर जब वो पॉइंट आएगा जब मैं मर रही होंगी फाइनली कि हाँ मैं अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही होंगी, तो आपने ये सदगुरु की बात सुनी कि अपन पूरी अब तक की लाइफ को अपन देखते हैं कि भाई क्या हुआ है अपनी लाइफ में, अपन ने क्या किया, तो उस पॉइंट पे क्या फील कर रही होंगी? उस पॉइंट पे कभी सोचा है कि हाँ जब मैं फाइनल अपनी लास्ट ब्रेथ ले रहा हूँ तब मैं क्या महसूस करना चाहती हूँ, तब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में हो? कभी सोचा है ऐसा? मतलब सोच के देखना। आई थिंक प्रेम रावत जी इस बारे में शायद बोलते हैं, मैंने सुना है उनका, उन्हीं से मैंने सीखा है। सो तब मुझे लगता है कि हाँ जब पूरी लाइफ की एक समरी जब मैं देखती हूँ ना, कभी भी जैसे अपन बात कर रहे थे अभी जजमेंट की, इन सारी चीजों की, हाँ यार आज मुझे किसी ने जज किया, ठीक है आज मान लो मैंने स्टेज पे जाके बोला लोगों के आगे, लोगों ने मेरे को जज किया, पर जब मैं उस पॉइंट पे मर रही होंगी, जब मेरी फाइनली लास्ट ब्रेथ जा रही होगी, तो क्या वो मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट रहेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं, चाहे मेरे लिए वो एम्बेरसिंग मोमेंट रहा हो, चाहे वो मेरे लिए, हाँ पर डेफिनेटली यार अगर मैंने अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया ना, तो मुझे याद रहेगा कि थैंक यू गॉड आपने मेरे को एक लाइफ दी और मैंने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय की, एटलीस्ट ये तो रहेगा। वरना दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक तो ऐसे होगा नहीं, अभी मेरी सांस नहीं जाए, अभी अभी तो मुझे जीना है, अभी तो मैंने ये नहीं किया, अभी तो मैंने मेरी ये ड्यूटी से निभाई, अभी तो मेरे को ये करना है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरा ये काम, वो काम, वो काम, काम 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 काम। पर एक दूसरा इंसान होगा कि हाँ थैंक यू गॉड आपने मेरे को ये लाइफ दी और मैंने इसको एंजॉय किया, सचमुच में एंजॉय किया, मैंने इसको जाना, कि मैंने खुद को जाना, मैंने उस चीज को समझा, उस एक्चुअल जॉय को समझा। जब अपन उस एक्चुअल जॉय के टच में होते हैं ना, तो एक एक हैप्पीनेस अलग ही आती है। या सो वेल सेड, सुपर।
बढ़िया। तो आपने कभी सोचा इस बारे में कि हाँ जब मेरे उस लास्ट डे होगा तो आप क्या महसूस करना चाहोगे? आई नो डेथ एक ऐसा टॉपिक है, लोग बात करना कम पसंद करते हैं, सो आई एम रियली सॉरी अगर आपको ये बात बुरी लगी हो। नहीं, in fact, the more we understand death properly, we will value life more. The life, मतलब ना मिर्जा गालिब ने क्या खूब बोला है कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए। So we all should know that life is not short. Life is finite. It is finite. See, we are here for certain number of days on this planet. जब ये बार-बार दिमाग में फिट हो जाएगा, तो अचानक my priority for next 10 minutes will change. Definitely. It will change. Yeah. So I think consciousness of death is very important. We should keep confronting about death, not to fear death, but to value life more. Exactly. क्योंकि ये death सिर्फ end नहीं है, बल्कि एक inspiration है अपनी life को best possible way में जीने का. So, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जब आपने बोल दिया कि हाँ, तो आप क्या चाहोगे जब वो लास्ट ब्रेथ आ रही होगी, तो आप क्या सोचते हो, आप अपनी लाइफ में क्या देखना चाहोगे? देखो सबकी अपने अपने होती है कि प्रायोरिटी, सब अलग अलग सोचते कि नहीं मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में ऐसा हो, कोई चाहता कैसा, तो आप क्या चाहोगे? आई थिंक मुझे ये सोचना अच्छा लगेगा कि हर दिन लाइफ का मैंने कुछ बेहतर करना कोशिश की कि जो आई शुड बी लेस एंड लेस रॉन्ग एवरी डे, बट दैट डजंट मीन आई विल बी नेवर रॉन्ग, बट लेस रॉन्ग. दैट आई एम अज्यूमिंग दैट आई विल गो रॉन्ग, बट आई ट्राई टू बी लेस एंड लेस रॉन्ग. दैट डजंट मीन आई विल बिकम परफेक्ट वन डे, इट्स अ परसूट. परफेक्शन तो कभी होगा ही नहीं. सो आई थिंक ये अगर इफ आई आई विल बी एबल टू से दिस टू माय सेल्फ दैट यस I was less and less and less wrong till today, where today is my last day. Then yeah. I think I'll die a very peaceful death. Very nice. सच में एक चीज होनी चाहिए, एक inspiration होनी चाहिए अपने पास कि हाँ यार, क्योंकि death मेरे लिए एक inspiration है. Personally, अब आप आए थे, आपने देखा था ना मैं कितनी ज़्यादा ये करना है, वो करना है, ये मस्ती करेंगे, ऐसे कुछ ज़्यादा excited मस्ती में. वो inspiration मुझे death से ही आती है. हाँ एक दिन मेरे को जाना है, मुझे पता है. ऐसा नहीं है कि मुझे 10 साल बाद में जाना है या 20 साल बाद में जाके ही मरूंगी, उससे पहले नहीं मर सकती. पता भी नहीं हमको. हाँ. वो तो कभी भी आ सकती, हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट ही आ जाए, आज बर्थडे और आज ही. तो अब ठीक है, लोग इसको गंदा भी मानते गलत मानते, पर मैं नहीं मानती. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो ये एक इंस्पिरेशन की तरह जीना चाहिए इसको. परफेक्ट. और कुछ मैडम? नहीं. मुझे एक शेयर करनी थी बात आपसे. एक कोट मैंने पढ़ा जेम्स क्लियर की एक न्यूज़लेटर में कि यू डोंट विजिट प्लेसेस, यू विजिट पीपल. एंड यू नो व्हाट, मुझे पहला ख्याल आप लोगों का आया. क्यों पता है? मैं बहुत घूमा पूरी दुनिया में टॉक्स के लिए, बट द मोस्ट best memories are of Rajasthan with you people. Oh, thank you so much. It means a lot to us. And, you know, I asked myself, क्यों? बाकी की जगह भी सुंदर थे, इससे ज़्यादा सुंदर थे. तो ऐसा क्यों? राजस्थान में सूखी गर्मी और. उस तो मैंने सोचा कि no, it was more about people and places came as a byproduct through people. आप लोग थे, आपने मुझे you know, घर का एक हिस्सा बनाया 2-3 दिन के लिए. इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट दिया. एंड प्लेसेस वगैरह वाज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट. सो वी नेवर विजिट प्लेसेस, वी विजिट पीपल. और मेरा पूरा दृष्टिकोण भी चेंज हो गया सफर करने का मिशन के लिए, कि नाउ आई एम गोइंग टू इंदौर टुमारो फॉर पीपल, एंड देन इंदौर विल हैपन टू बी अ न्यू प्लेस फॉर मी. चल देख लेंगे, वो लोग ही जरिया रहेंगे प्लेसेस देखने के, बट फोकस रहेगा लोगों पे. राइट. So thank you so much for giving such wonderful memories.